आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर अवनीश पाठक, ग्राम हम आए हैं ग्राम हरुआ, तहसील लौकुश, नगर जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। ग्राम हरुआ में लक्ष्मी अहिरवार की खरियान पर कर रहे हैं दबंग लोग कब्जा, वो आप बीती खुद बताएंगे, बताइए ये आप की समस्या। जी, हम आए दिल्ली से, आए तो गाँव वाले गाँव में रहना नहीं दे रहे, तो अपने जमीन में कब्जा कर रहे खरियान में। अच्छा, तो दबंग लोग इधर से कब्जा हटवा रहे। अच्छा, कि यहाँ पर रहना नहीं दे रहे आपको? रहना नहीं दे रहे। ये खरियान आपका है? खरियान हमारा है। अच्छा, तो इसके संबंध में आप यहाँ पर मकान बना रहे हैं? हाँ। तो मतलब कुछ लोग आपको यहाँ पर मकान नहीं बनाने दे रहे हैं? दे रहे। और यहाँ पर आपका कब्जा कितने वर्षों से है? ये कब्जा कम से कम 40-50 साल से है कब्जा। ये 40-50 वर्ष से आपका यहाँ पर कब्जा है, और फिर भी लोग यहाँ पर आपको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं? ये आपका प्लाट है? अच्छा जी, आप क्या इस बारे में कहेंगे? हम दिल्ली से आए जी, तो हमको रहने नहीं देते गांव वाले, हम बनाए झोपड़ी रहने के लिए जी, इसलिए हमने बनाया वहाँ रहने के लिए नहीं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? रामोतार। अच्छा, रामोतार अहिरवार जी। जी, और आपने किसी से सरपंच या वगैरह से शिकायत की है? कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, कोई नहीं आपकी सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा जी। तो आइए, गरीब लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है जी, आपका नाम क्या है? भवानी नीम। अच्छा, भवानी नीम आगे जी, अहिरवार। अच्छा, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, दिल्ली से आए, झोपड़ी डाली, रह लेंगे रहे कोई घर में। अच्छा, और क्या डाली रह रहे, घर मकान है नहीं? अच्छा, घर मकान नहीं है आपके पास, और फिर भी मतलब आपके यहाँ प्लाट पर मतलब खरियाना में यहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं? ये आपका प्लाट है पूरा जी? तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपका 50 साल से यहाँ पर कब्जा है, 50 साल पहले खरीदा, और दबंग लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं जी। जी, तो मतलब आपको यहाँ पर बनाने नहीं दे रहे हैं लोग? सर, पैसे वाली पार्टी है, नहीं सुन रहे कोई। अच्छा, पैसे वाली पार्टी है जी। जी, अच्छा, गरीब जनता की कोई नहीं सुनता है जी, और दबंग लोग अपना कहर बरसा रहे हैं गरीब जनता के ऊपर जी। आप बताइए। सर, बाहर से दिल्ली से आए हैं और घर में कोई गांव में नहीं बनने दे रहे हैं हम, और यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे नहीं रहने दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्वारंटाइन है, फिर भी यहाँ पर आपको रहने नहीं दे रहे लोग? दे रहे हैं, मिठाई था सब, क्या करें। अच्छा, ये आपका बालक है, और मतलब लोग यहाँ पर आपको रहने नहीं दे रहे हैं, और खुद की जमीन होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर आपको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, ना आपको यहाँ पर रहने दे रहे, आपको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, ना आपको यहाँ पर रहने दे रहे। पॉलीथिन जो भी पड़ी थी निकाल के ले रहे। अच्छा, क्या बोली आप? पॉलीथिन जो पड़ी थी निकाल गई, कोई निकाल लिया। अच्छा, आप ही की पॉलीथिन लोग निकाल ले गए थे, ये दबंगों का कहर जी। आइए जानते हैं, किसी और से भी बात करते हैं। आइए, राम स्वरूप अहिरवार से बात करते हैं। आइए बताइए सर आप। सर, मेरा राम स्वरूप अहिरवार है, सनफ लक्ष्मी राम अहिरवार जी, ग्राम हरुआ का मूल निवासी हूँ सर जी। यहाँ मेरा पूर्व 50 साल वर्ष पहले से यहाँ खलियान रहे हैं जी, जबकि ये पंचनामा गांव वाले देंगे जी कि सत्य है या गलत है जी। यहाँ मैं, ये मई है सर जी, 1 महीने पहले मैं दिल्ली से आया हूँ जी, तो गांव वालों ने ऑब्जेक्शन लगा, तुम दिल्ली से आए, क्वारंटाइन में हो सकता है कि कैसा फंसा है जी। आ करके मैंने यहाँ कब्जा अपने पुराने मकानों में जी, खलिहान में जी, आ करके मैंने अपना मकान बनाना चाहिए। तो आपका खलिहान यही है ना? सिर्फ यही खलिहान है मेरा जी। तो मैंने 50 साल पहले वाला खलिहान में आकर के अपनी नींव डाल के अपनी झोपड़ी का निवारण किया जी। यहाँ विपक्षी जी गुमनी हरवान ने आकर के मेरे ऊपर, उसके बच्चों ने आकर के धमकी दे करके और मुझे भयभीत किया जी। अच्छा, आपको ये जो 3 नंबर में कब्जा किए हुए हैं, और यहाँ आकर के मुझे भगाने की चेष्टा पूरी चैलेंज से दे रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सत्य कथन गांव का चाह रहा हूँ, वरना मेरा खलिहान नहीं जाएगा सर। तो इसके विपक्ष में आपने किसी से मतलब सहायता मांगी क्या? नहीं मांग रहा हूँ गांव से, मगर गांव सब भयभीत है जी। जी, दादागिरी से और पैसे से सब डर रही है जी, इसलिए गोपनीय लिखत में देंगे सारी कुछ। अच्छा, लिखत में दे सकते हैं? दे सकते, पंचनामा देंगे, प्रूफ के है 50 साल वर्ष पहले मेरा यहाँ या नहीं, खलिहान है या नहीं है जी। तो मुझे सत्य कथन चाहिए कि यहाँ था हमारा या नहीं था जी, तो इसलिए मैंने यहाँ अपना निवारण करके बच्चों को पाल रहा हूँ। जिस दिन मुझे प्रशासन जैसा आदेश दे देगा, मैं प्रशासन के बाहर नहीं हूँ। गुमनी में अहिरवार वही है जो गुमनी अहिरवार आपको धमकी दे रहा है कि यहाँ पर आप नहीं बना सकते? नहीं बना सकते जी। तो मैं श्रीमान जी अपना कुछ दिन के लिए, जब तक क्वारंटाइन में फंसा हूँ, तो अपने बच्चों का निवारण कर रहा हूँ, बाकी मुझे अपना निर्णय चाहिए जी।
हमारा यहाँ वैसे कब्जा तो यहाँ पर आपका है, वैसे प्रशासन जो आपको निर्णय दे वो आपको स्वीकार साल पहले से जी। अब प्रशासन मेरा निर्णय करके दे जी, जहाँ भी मुझे शिफ्ट कर दे जी, वहाँ मैं प्रशासन के भीतर हूँ जी। तो देखते हैं कि किस प्रकार दबंग लोग कर रहे हैं परिजनों की जमीन पर अपना कब्जा। सबसे तेज, सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।